की धनति गोमरी भी इच्छा थी कि उठा राम जी ने रावण माता जी ने मंदिर की प्रतिष्ठा हो बालाजी ने मंदिर की प्रतिष्ठा हो और अपना सबसे पहला वे ब्राह्मण था वे बुजुर्ग मनमान जी ने पुजारी विजय शंकर जी बहुत ही पुराना आदमी था और वे भी संपर्क में था। पर आज मैं धन्यवाद देना चाहूं सौथवा परिवार ने जिनकी प्रेरणा थी आप पंचायत भवन रवाज उद्घाटन वेदी मैं धन्यवाद देना चाहूं साधुवाद देना चाहूं आला सरदार सभी सम्मान्य नागरिक बंधुओं ने जिन्होंने प्रेरणा थी आज पंचायत उद्घाटन अवसर माता हमारो कार्यक्रम बढ़ियो मैं तय दिलो पूरा परिवार ने बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूं। हर कार्यक्रम में पधारियो सीओ साहब बीडीओ साहब सभी पंचायत राज अधिकारीगण आज पंचायत राज एक बहुत बड़ी जागरूकता है डेवलपमेंट और विकास और चत्र है अपने सबरी भावना में हर गांव रो डेवलपमेंट वे विकास वे और विकास रे चत्र में पंचायत जो काम करी रही है आप सबने पता है देश की आजादी के बाद में आज दिन तक जो जागरूकता पंचायत लेवल तक आवनी चाहिए थी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज आलासन में सबसे बड़ी जागरूकता आई है नवास्ते बधाई दे दानदाता और बाबा साहब मैं सरपंच साहब ने भी धन्यवाद देना चाहूंगा और पंचायत समिति जिला परिषद मेंबर वालों ने भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज की तारीख में पंचायत भवन में और नन पंचायत रा सरपंच रा कार्यकाल में एक बहुत ही अच्छो काम हुआ और वहां बैठ वाली जगह हुई वरने वास्ते मैं बधाई देना चाहूंगा क्योंकि कार्यक्रम पूरा राजस्थान में आप देखिए हुई तो विकास रा क्षेत्र में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार परंतु आप सबने पता है कि पहला अगर कोई कर्जो करे गया तो मैंने पटाओ तो थोड़ा टाइम लागे पहला री जो सरकार थी वनो जो कार्यकाल रही हो वन कार्यकाल रे में आ बिजली री जो समस्या आले रही है आ समस्या वनो रे कारण आले रही है आज की तारीख में राजस्थान डेवलपमेंट राजस्थान रा नाम थी आले रही है विकास रा नाम थी आले रही है। मैं आप सबने निवेदन करो छो पहला री सरकार सब फ्री फ्री कर देगी आज की तारीख में एक बैंक बैलेंस में बिजली रे वास्ते अगर दूसरा स्टेट थी होवे बिजली लो तो वन्ने पासी पूर्ति करनी पड़े परंतु आज की तारीख में वहां पूर्ति बना नहीं की थी वन्ने वास्ते आज समस्या आ रही है परंतु चिंता करवाने की जरूरत नहीं जल्दी अपना देश रा मुख्यमंत्री देश रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान रा मुख्यमंत्री भजन लाल जी बैठे मीटिंग वेगी कोऑर्डिनेशन वेगी हो और पहला री भी मैं सरकार 2000 वसुंधरा जी की सरकार की बात करनी चाहूं 60,000 करोड़ रो बिजली रे माते अपना माते कर्ज छोड़ने किया था अब 90,000 करोड़ रो कर्ज छोड़ने किया है तो चिंता करवारी जरूरत नहीं जल्दी वन्ने समाधान करवारी कोशिश करे रिया कि जल्दी आप बिजली की समस्या रो समाधान है पंचायत रे में जो डेवलपमेंट और विकास आज की गति रे में दिनों दिन आगे बढ़े रही है मैं आपने कह रही हूं कि आवा वाला टाइम में आप जनप्रतिनिधि पंचायत समिति रो मेंबर पर सरपंच वादा रे हाथी कह रही हो कि आवारा में सरकार की तरफ से अतरो बजट हर पंचायत में आवे रही हो कि उन पंचायत ने खर्च करवार वास्ते टाइम नहीं मिले रही हो परंतु हमारा हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि हर गली हर गांव विकास रे क्षेत्र में आगे बढ़े वही से हमारा सुबह लक्ष्य है। आज की तारीख में विकास और डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं रहे विकास रे क्षेत्र में सबसे ज्यादा धनरी कदे कमी नहीं आवे धनरे में भी दिनों दिन आगे बढ़वारी कोशिश करो जल्दी से जल्दी अटारो विकास और आगे बढ़ावारी कोशिश करो। मैं धन्यवाद देना चाहूं आप प्रकार जनप्रतिनिधि रूप में सम्मान्य जोगेश्वर जी जागरूक एक जनप्रतिनिधि नाते आज मोरी विधानसभा में तो मुख्य सचेतक रूप में मोरे सबरे 200 ML रमादा हेडवार साहब है अपने बीच में बिराज जोड़ा है मैं तहे दिल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं और जागरूक
जनप्रतिनिधि के नाते विकास राज क्षेत्र में आप बैठे बैठा बैठा भी हमेशा पंचायत राज में कोई गए, इलेक्ट्रिक बोर्ड में कोई गए, सामाजिक कल्याण मतलब सामाजिक न्याय मतलब हर क्षेत्र में जो काम करवा की कोशिश कर रहा है, आप सबने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। एड़ा जागरूक जनप्रतिनिधि हमेशा जनता रे बीच में रहे और आप सबने बीच में रहे अन्ना वास्ते में आपने बहुत बहुत पूरी जनता ने धन्यवाद देना चाहूँ, क्योंकि आप सबने पता है राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, 18 मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बनाया, दिल्ली में सरकार एक बात आई तो मैं आलासन ने पूरा क्षेत्र जालोरी जनता ने और शिवेरी जनता ने धन्यवाद देना चाहूँ कि बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छा सांसद जिताया सम्मान्य लुम्बा राम जी ने अन्ना वास्ते भी मैं बधाई देना चाहूँ। और विकास राज क्षेत्र में आप सबने बीच में मैं वादो करें जा रही हूँ कि आओ वाला टाइम में पंचायत राज की तरफ थी कोई क्षेत्र में ग्रामीण विकास आपदा प्रबंधन में कटी तरह की कोई समस्या आवे तो ओटा राम देवासी आपने घर रहे और घर की बात कर सको, आप सबने निवेदन करें जा रही हूँ। मैं मारी वाणी ने विराम दो, आज मैं पूरा भमासा परिवार ने जड़े बहुत ही सुंदर भवन बनायो, क्योंकि भवन तो सब जगह बनी बड़ा है। मैं आपने एक छोटी सी बात कहना चाहूँ, मैं 2004-05 की बात करूं, मैं पशुपालक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन था, राजसमंद जिला में एक पिपलांत की पंचायत है, श्याम सुंदर पालीवाल वालों सरपंच था, कई जागरूक अगर जनप्रतिनिधि है, मैं आपने कहना चाहूंगा आर के मार्बल जितने भी है वो मार्बल बने पंचायत में था बड़े आज दिन तक कई सालों तक वो कौम हालता था, पर तो एक जागरूक जनप्रतिनिधि रहे नाते हैं किरण जी महेश्वरी वडारा सांसद था और मैं बोर्ड रो चेयरमैन था और पंचायत रो उद्घाटन 2004-05 में करवा रो मौको मिलियो था। सबसे पहला अगर कड़े पंचायत बनाई थी तो राजसमंद में पिपलांत्री बनाई थी और पूरी पंचायत ऐसी बनाई थी बनना वास्ते में बधाई देना चाहूँ, क्योंकि रेवेन्यू जो पंचायत के मिलना चाहिए वो रेवेन्यू अगर पंचायत रो जनप्रतिनिधि होशियार हुए तो रेवेन्यू अटेंड कर सके और आओ वाला टाइम में बड़ क्षेत्रों विकास कर सके, पंचायत समिति हो जिला परिषद हो हमेशा एक जागरूक जनप्रतिनिधि की जरूरत है। आप सबने बीच में विराज जोड़े सब जनप्रतिनिधि ते दिनों में और अभिनंदन करना चाहूंगा, आज की तारीख में जालौर दिनों दिन विकास क्षेत्र में आगे बढ़े रही है अन्ना वास्ते में सभी जनप्रतिनिधियों में बहुत बहुत धन्यवाद दू, आपने बीच में हमारा मौको मिली आप स्वागत की दो, मैं भामासा परिवार ने भी बहुत बहुत बधाई देनी चाहूँ और हमारे विप्र फाउंडर सिद्धी टाइगर डबल टाइगर नान साहब आप सबने बीच में आवारो मौको मिलियो तय दिल में आप अभिनंदन करूं और विकास रे क्षेत्र में कठिन तंदरी कमी नहीं आवे, आप सबने बीच में आज वादों करें दे रहे हो कोई भी चीज है तुरंत आप बात कर जो सम्मान्य आप रे जागरूक जनप्रतिनिधि हमेशा क्षेत्र में आगे बढ़े वो इस निवेदन है। अणि आशा राती जय हिंद जय भारत माता।